सुपर ओवर की शुरुआत करते हुए अजनारा, मोंटी और रवि सिंह आते हुए ओपनिंग। देखना होगा कितना स्कोर बनाएंगे एक ओवर में। बाहर कौन है? संदीप शर्मा सुपर ओवर डालेंगे। ये संदीप शर्मा फास्ट बॉलर आरसीएस के। बॉलर राइट आर्म मूव। सैंडी शर्मा पहली बॉल के साथ स्ट्राइक पर। रवि बहुत ही रोमांचक मैच है ये। देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी। दोनों टीमों ने अब तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मैच में। आ जाओ गोल्डी भाई। पहली बॉल के साथ सैंडी। पूरे पहली गेंद पर कैच छूट चुका है रोकी के हाथों और ये छक्का पहली बॉल पर ही। गंदी फील्डिंग रोकी द्वारा, अच्छी गेंद डाली बॉलर ने आगे पर कैच छूट गया और टीम काफी नाखुश। पहली गेंद पर ही छक्का मार चुके हैं रवि। थोड़ा धक्के करना भैया चेंज। और फील्डर चेंज मनीष शर्मा आ गए हैं अब लॉन्ग ऑन पर। दूसरी गेंद के साथ सैंडी शर्मा, देखते हैं क्या होगा इस बॉल पर। और ये पर बहुत लंबा छक्का बाउंड्री के बाहर चैलेंज के लिए। क्लोज में बॉल मिला और बैट्समैन ने खूबसूरत स्ट्रोक लगाया इस बॉल पर। बॉलर प्रेशर में दो बॉल पे दो छक्के आ चुके हैं। ये कुछ बातचीत करते हुए अपने कैप्टन के साथ और रवि ने दो बॉल पर दो छक्के मारे हैं खूबसूरत बैटिंग करते हुए। और ये अच्छी गेंद ऑप्शन के बाहर थी। गेंद तीसरी गेंद और ये फ्लैट शॉट और एक और छक्का। तीसरा छक्का इस ओवर का। 18 रन हो चुके हैं अभी सिर्फ मात्र 4 बॉल में। खूबसूरत बैटिंग करते हुए रही यहाँ पर। बहुत अच्छी बैटिंग रही द्वारा प्रेशर में बॉल आते हुए फ्लोट बॉल एक और उसको छक्के के लिए बाहर भेजा बैट्समैन ने। अगली गेंद और ये अच्छी गेंद गुड लेंथ पर पड़ी है बॉल। लास्ट बॉल है भाई भाई। देखते हैं क्या होगा इस बॉल पर। और पॉइंट के ऊपर से निकाल दिया बॉल 4 रन के लिए। 22 रन आए हैं इस ओवर में। अच्छी बैटिंग रवि द्वारा। एक ओवर में 22 रन बनाए इन्होंने। एक ओवर में 22 रन रवि द्वारा। अजनारा के 22 रन एक ओवर में। आरसीएस की काफी खराब बॉलिंग। आरसीएस काफी घबराई हुई है इस वक्त। एक ओवर में इनको 23 रन चेज करने हैं। सुपर ओवर में कोई वो नहीं है क्योंकि टीम में प्लेयर चले गए किसी ने सोचा भी नहीं। भैया 5 रन काट लिए जो भी है टीटी टीम का। ना वाइड क्या तूने बोली हमें क्या आरसीएस की तरफ से मनीष शर्मा और संदीप शर्मा बैटिंग के लिए आते हुए ओपनिंग पेयर। स्ट्राइक मनीष शर्मा के पास रहेगी। और यहाँ पर संदीप कुमार फील्डिंग लगाते हुए अपनी टीम के लिए। गोवी बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। सुपर ओवर गोवी डाल रहे हैं अजनारा की तरफ से। थोड़ा राइट हो जाओ सर, वो जो पैच है ना आगे वाइट वाइट वाला। फील्डिंग लगाते हुए सुपर ओवर के लिए चार है। मनीष शर्मा स्ट्राइक लेने वाले हैं। शाबाश
23 रन चाहिए एक ओवर में जीतने के लिए यहाँ पर आरसीएस को। अजनारा को चाहिए ले और पहली गेंद के साथ गोवी रिलैक्स लग रहे हैं काफी, क्योंकि इनकी टीम ने अच्छे रन बना दिए एक ओवर में। 22 रन जड़े और 23 रन चाहिए यहाँ पर आरसीएस को मैच जीतने के लिए। पहली बॉल मनीष शर्मा फेस कर रहे हैं गोवी की, देखते हैं क्या होगा। ओ फील्डर बॉल के पीछे और पहली बॉल पर बाउंड्री आती हुई, लेग साइड में बॉल थी और मनीष शर्मा ने फ्लिक करा बॉल को 4 रन के लिए। फील्डिंग में कुछ बदलाव, मिड विकेट को बाहर ले लिया गया और स्क्वायर लेग 30 यार्ड से आ गया है। अब दूसरी बॉल के साथ गोवी, और स्लो रन बॉल डाली इन्होंने, देखते हैं कैच होगा या नहीं। और ये काफ़ी अच्छा कैच पकड़ लिया है बाउंड्री पर, अच्छी फील्डिंग लगाई थी इन्होंने वहाँ पर, मिड विकेट को पीछे लिया और वहीं बॉल डाली और यहाँ पर विकेट मिल गई है गोवी को। और बहुत अच्छी बॉल इनके द्वारा, स्लो रन डाली इन्होंने, मिड विकेट बाहर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर गोल्डी सिंह आते हुए स्ट्राइक पर, और ये हमारे अंपायर सोमनाथ अंडर 19 कैंप कराए उन्होंने आसाम से। दो बॉल में 4 रन आ चुके हैं और काफी अच्छी गेंद डाल रहे हैं यहाँ पर गोवी, पेस नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को, जो कि इन्होंने पहली बॉल पर गलती करी थी उसको रिपीट नहीं करा, 100 रन डाली और इनको विकेट मिल गई। और संदीप शर्मा स्ट्राइक पर हैं, अब देखते हैं तीसरी बॉल पर क्या होगा। सर इस तरफ, अंपायर के साथ, अंपायर के पीछे एकदम। 4 गेंदों में 19 रन चाहिए। और ये एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ खूबसूरत स्ट्रोक संदीप शर्मा द्वारा, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला, ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर बॉल डाला और 4 रन मिले उस बॉल पर। और अब 3 गेंदों पर 15 रन चाहिए। अगर यहाँ पर संदीप शर्मा कोई मिरेकल कर दें तो शायद मैच जीत सकते हैं यहाँ पर आरसीएस। ये स्लॉट बॉल मिस कर दिया इन्होंने और शायद यहाँ पर जीत तय हो गई है अजनारा की। अब सिर्फ मिरेकल इनको बचा सकता है। काफी अच्छा मैच ये, शुरू से ही डोमिनेट किया आरसीएस ने, पर अंत में शायद जीत अजनारा के यहाँ तो लगेगी। और ये फिर एक बार 100 रन बॉल, अच्छी बॉलिंग इनके द्वारा, बिल्कुल पेस नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं यहाँ पर गोवी। और ये लास्ट बॉल, और ये देखिए फिर एक बार 100 रन डाली इन्होंने। और ये सौरव गांगुली के स्टाइल में जश्न मनाते हुए यहाँ पर संदीप, खूबसूरत मैच जीत लिया है यहाँ पर, अच्छी बॉलिंग गोवी द्वारा। बहुत बढ़िया, क्या मानसिकता थी आपकी बॉल डालने से पहले? कुछ नहीं, बस डॉट निकालनी थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना था। आपने अच्छी स्लोरन डाली, थैंक यू। ये सौरव गांगुली अगर मिल लो यार, जीते तो मिलना बनता, हार तो नहीं मिलते।
ये ओनर कॉर्पोरेट टीम के टूर्नामेंट के यार अभी लेवल नीचे ये तो सेमीफाइनल में चले गए ना और काफी दुखी यहाँ पर आरसीएस ये इनका दूसरा लगातार मैच हार चुके हैं अपना